मैं रोजाना रोशनपुरा चौराहे से होते हुए ऑफिस जाया और आया करता। उसने जब सबसे पहली बार मेरी कार के शीशे पर अपनी नन्ही उंगली से दस्तक देकर शाम की अखबार लेने का आग्रह किया तो मैंने उसे 5 रुपए का सिक्का थमाते हुए कहा, पैसे ले लो, मुझे अखबार नहीं चाहिए। तो उसने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, नहीं बाबू साहब, मैं भीख थोड़े ही मांग रहा हूं। अगर आपको अखबार नहीं चाहिए तो मुझे भी खाली फोकट के पैसे नहीं चाहिए। मैं मेहनत का खाता हूं बाबू साहब। उसकी आत्मसम्मान की भावना देख क्षण भर को मैं ठिठक सा गया। मैंने उससे अखबार लेते हुए कहा, चलो अब तो पैसे ले लो। बाबू साहब अखबार 2 रुपए का है, खुले हैं या मैं आपको चिल्लर वापस करूं? वो बोला, हाँ तुम ही दे दो, मेरे पास खुले नहीं है, मैंने कहा। इतने में ही ग्रीन सिग्नल हो गया। मैंने उसके हाथों से 3 रुपए लिए और आगे बढ़ गया। अब ये रोजाना का नियम बन गया था। वो रोज चौराहे पर मुझे मिलता, मैं उससे अखबार लेता और आगे बढ़ जाता। ऐसे ही एक बार मैंने उससे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ रहते हो तुम? बाबू साहब मेरा नाम संकेत है, जहाँ जगह मिले वहीं सो जाता हूँ, कोई ठौर ठिकाना नहीं है मेरा। वैसे ज़्यादातर पास वाले फुटपाथ पे ही लंबी तान के सो लेता हूँ। ऐसे ही रोज़ाना हमारी कुछ ना कुछ बात होती रहती। एक दिन मैंने पूछा, संकेत तुम सुबह तो नहीं दिखते यहाँ, कहाँ रहते हो सुबह, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बाबू साहब बहुत बड़ा परिवार है मेरा, किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा और मिलवाऊंगा आपको उनसे। और सुबह सुबह मैं आपको भोपाल के किसी भी पर्यटन स्थल पर मिल सकता हूँ, संकेत बोला। अच्छा वहाँ क्या करते हो, मैंने पूछा। अरे बाबू साहब जब कभी वहाँ मिलोगे तो खुद ही देख लेना, संकेत बोला। सावन का महीना था, मेरी बहन सपरिवार मेरे यहाँ आई हुई थी। मैंने बड़ी गाड़ी बुक की और सपरिवार अपनी बहन को भोजपुर मंदिर दर्शन कराने लेकर गया। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर अगर अच्छा गाइड मिल जाए तो वहाँ की खासियत अच्छी तरह बताता है, सुनने घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। देखते हैं अगर अच्छा गाइड मिल जाएगा तो हम भी भोजपुर अच्छी तरह घूम लेंगे, मैंने कहा। हम भोजपुर मंदिर पहुंचे तो देखा वहां बहुत भीड़ थी और एक जगह लोगों का झुंड जिसमें कई विदेशी पर्यटक भी थे मंदिर की जानकारी ले रहे थे, शायद उनके साथ कोई गाइड था। मैं भीड़ चीरता हुआ बड़ी मशक्कत से आगे बढ़ा ही था कि देखा एक नन्हा गाइड धारा प्रवाह अंग्रेजी में मंदिर की छोटी बड़ी जानकारी बता रहा था, पर्यटकों की जिज्ञासाओं को इतने रोचक अंदाज में शांत कर रहा था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हुए जा रहे थे। और उसके पीछे पलटते ही मैं एकदम हतप्रभ, क्योंकि ये नन्हा गाइड कोई और नहीं संकेत था। संकेत के इस रूप की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था, एकदम आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ पर दर्जन भर छोटी बड़ी रंग बिरंगी राखियां बांध, सिर पर बड़ी सी हैट और नीले कलर का शर्ट और काली पैंट पहने संकेत एकदम जादूगर सा लग रहा था। अरे बाबू साहब आप यहां कहां खो गए बाबू साहब, संकेत की मोहक आवाज सुनकर मैं जैसे ख्यालों की दुनिया से वापस आ गया था। अरे संकेत तुम कब से गाइड बन गए, हमें तो पता ही नहीं चला, और ये क्या इतनी सारी राखियां, कितनी बहनें हैं तुम्हारी, मैंने पूछा। अरे बाबू साहब चलिएगा मेरी बहनों से मिलने, ढेर सारी बहनें हैं मेरी, संकेत हमेशा की तरह दबंगाई से बोला। आइए ना बाबू साहब भोजपुर मंदिर के बारे में जानिए। और फिर संकेत ने शुरू की भोजपुर मंदिर की स्थापना से लेकर मंदिर की वास्तुकला, हिंदू इमारतों में इस मंदिर के सबसे बड़े होने की बात, द्वापर युग में माता कुंती की पूजा के लिए पांडवों द्वारा शिवलिंग का एक ही रात में निर्माण कर मंदिर निर्मित करने की किंवदंती, पास की पहाड़ियों पर मंदिर के चित्र बने होने से ये प्रतीत होना कि पहले के युग में भी नक्शे बनाकर निर्माण कार्य होने की बात का प्रमाण मिलना, माता कुंती के पिता राजा भोज के नाम पर इसका नाम भोजपुर पड़ने जैसी कई सारी बातों को संकेत पर्यटकों को बड़ी ही खूबसूरती से बयान कर रहा था। पूरे मंदिर और आसपास की अनेक जानकारियों का पिटारा जब समाप्त हुआ तो पर्यटकों ने संकेत को पैसे दिए। विदेशी पर्यटकों ने तो मुट्ठी भर भर के नोट संकेत को थमा दिए। संकेत इतने पैसों का क्या करोगे, मैंने पूछा। आप जानना चाहते हैं ना कि इन पैसों का मैं क्या करता हूं, तो चलिए मेरे साथ। मैं अपने परिजनों के साथ चल पड़ा संकेत की बताई जगह पर। संकेत
मुझे बताओ, तुम भोजपुर मंदिर के बारे में इतना सब कैसे जानते हो और इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? मैंने पूछा। मेरे कौतूहल को संकेत जान चुका था, बोला, बाबू साहब मैं बचपन से यूं ही यहाँ वहाँ भटकता, दो जून की रोटी कमाता था। कुछ सीखने की इच्छा हमेशा से ही मन में रहती थी। ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों पर जब गाइड के पीछे घूम घूम कर दिन भर में बीसियों बार उसकी बातों को सुनता, कभी कुछ नहीं समझ में आता तो उनसे पूछा भी करता था। 4-5 बरस का था तभी से सुनते सुनते सब मुँह जुबानी याद हो गया। और अब तो आप भीम बेटका, मनुआ भान की टेकरी, सारी मस्जिदों, बिरला मंदिर और गौहर महल जैसी हर छोटी बड़ी जगहों की जानकारी और उनका ऐतिहासिक महत्व मुझसे पूछ सकते हो। सुबह सुबह ऐसी जगहों पर जाकर गाइड का काम करता हूँ और शाम को तो रोज आपसे मिलता ही हूँ पेपर बेचते हुए। अरे वाह, क्या बात है संकेत, तुम तो छिपे रुस्तम निकले, मैंने बड़े गर्व भाव से उसे देखते हुए कहा। अच्छा, अब हमें चलना कहाँ है? बस बाबू साहब, अब आधा किलोमीटर और, कहते हुए संकेत ने ड्राइवर को एक किराने की दुकान के सामने गाड़ी रोकने को कहा। फिर, बाबू साहब बस 2 मिनट, कहकर वो दौड़ते हुए दुकान की ओर दौड़ पड़ा। 5 मिनट में वो न जाने पॉलिथिन में क्या भर करके लाया। संकेत, ये क्या खरीद लाए और किसके लिए? मैंने पूछा। अभी बताता हूँ बाबू साहब। ड्राइवर भैया, बस यहाँ से दाहिने मोड़ के उस सरकारी अस्पताल के बिल्कुल सामने गाड़ी रोक देना, संकेत बोला। ड्राइवर ने साइड में गाड़ी रोकी, फिर हम संकेत के पीछे पीछे चल पड़े। संकेत को देखते ही न जाने किस किस कोने से छोटी छोटी लड़कियां भैया भैया कहकर दौड़ती आईं और संकेत से लिपट गईं। ये सब कौन है संकेत? मैंने पूछा। बाबू साहब, ये सब मेरी बहनें हैं, कहकर वो पॉलिथिन में से चॉकलेट निकालकर उन सबको देने लगा। इतनी सारी? ये सब तुम्हारी सगी बहनें हैं? मैंने अचरज से पूछा। बाबू साहब, क्या खून के रिश्ते ही सगे होते हैं? नहीं बाबू साहब, ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, इसे सरकार ने उन गरीब लोगों के ठहरने के लिए बनाया है जो दूर दराज गांव से सरकारी अस्पताल में इलाज कराने यहां आते हैं। गांव से आए गरीबों को रहने का ठिकाना तो मिल जाता है, पर इलाज के लिए पैसा उनके पास नहीं रहता। और यहां आसपास पुरुषों के रूप में घूमते नर पिशाच उनकी मजबूरी का फायदा उठाने से भी बाज नहीं आते और उनकी बेटियों का सौदा करने लगते हैं। यहां तक कि यहां रह रही नन्नी नन्नी बेटियों को टॉफियों का लालच दिखाकर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने में भी पीछे नहीं रहते। बाबू साहब, मैं अपनी 1.5 साल की बहन को किसी पिशाच के वैशीपन का शिकार बनते देख चुका हूं। अब और किसी बहन को इनकी बलि नहीं चढ़ने दूंगा, इसलिए मैं रोज इनके लिए ढेर सारी टॉफियां लाता हूं, जिससे टॉफियों के लालच में ये किसी की हवस का शिकार न बन पाए। सुनकर मेरे साथ साथ मेरे सभी परिजनों की आंखों से आंसू बह निकले। संकेत, तुम सचमुच मसीहा हो। अगर तुम्हारे जैसी ही सोच समाज के सारे बच्चों और पुरुषों की हो तो समाज में कोई भी बालिका या स्त्री किसी की कुदृष्टि का शिकार नहीं बनेगी, कहकर मैंने संकेत को गले से लगा लिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे अंजलि खेर जी की लिखी कहानी, वो नन्हा मसीहा। और ऐसी सुंदर बेहद की सोच ये देखकर जन्म नहीं लेती कि आपने किस परिवार, किस जाति, किस धर्म, किस स्थान पर जन्म लिया है, ना आपके कपड़ों और आपके जूतों से ये फैसला करती है। ये सब तो हद में बांटने वाली चीजें हैं और इन हद में बटी हुई चीजों के कारण शायद हमारी सोच छोटी और हद की हो गई है, जिससे हम लोगों का आकलन करने लगे हैं, जजमेंटल हो गए हैं। पर यही बेहद की सोच भारतवासियों की पहचान है, क्योंकि यही सोच तो वसुधैव कुटुंबकम की सोच है ना। हद से बाहर निकला जा सकता है, बस अपनी सोच को बेहद की सोच बनाना होगा, हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने इस कहानी को यहां तक सुना। पसंद आई हो तो जरूर लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा अगर ऐसे ही मसीहा आपकी जिंदगी में भी कभी आए हो जिनकी सोच ऐसी श्रेष्ठ और बेहद की रही हो। और शेयर जरूर कीजिएगा इस कहानी को,
जिससे ये बेहद की सोच केवल हद तक न रह जाए, सभी तक पहुंचे। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।